हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वर्ल्ड, कलम शून्य से शिखर तक। तो फ्रेंड, हमने अपने पिछले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल पढ़ा रहे थे। तो दोस्तों, हम आज हमारा क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग। लेकिन आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के पहले करने से पहले हमें, जैसे आर्टिकल ए एन का प्रयोग किसी नाउन या वर्ड के पहले प्रयोग करने से पहले यह जानना होगा उसके फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड क्या है। यदि हम ये नहीं जानेंगे कि उसका फर्स्ट लेटर और उसके फर्स्ट लेटर के साउंड क्या है, तो हम इंग्लिश ग्रामर में उसको यूज करने में गलतियां कर सकते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि आज ये पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश ग्रामर में है, उसके पहले हम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इंग्लिश में देखिए, टोटल 26 लेटर होते हैं ए टू जेड, जिसमें देयर आर 5 टाइप्स लेटर इज कॉल्ड वावेल्स। कौन कौन से होते हैं वावेल? ए, ई, आई, ओ एंड यू। एंड जो इन पांचों को छोड़कर जो 21 लेटर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स, बी, सी, डी, एफ एंड जी, जेड तक जो भी है, इन पांचों को छोड़कर। तो ये हुआ। अब देखिए दोस्तों, वावेल साउंड क्या होते हैं। वावेल साउंड इंग्लिश ग्रामर में टोटल 20 वावेल साउंड होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं वावेल साउंड क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देयर आर 20 वावेल साउंड इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 20 वावेल साउंड होते हैं। दे आर डिवाइडेड इन टू प्योर वावेल्स एंड मोनोफ्थोंग वावेल्स एंड सेकेंड ग्लाइड्स वावेल और डिफ्थोंग वावेल। यानी इंग्लिश ग्रामर में 20 वावेल साउंड होती हैं, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्योर वावेल, और इसको प्योर वावेल को बोलते हैं मोनोफ्थोंग। एंड सेकेंड क्या है? ग्लाइड्स वावेल और डिफ्थोंग वावेल, ये होते हैं। तो इसको दो साउंड में किया गया है। अब देखिए, वावेल पहला क्या है, प्योर वावेल या मोनोफ्थोंग वावेल, सेकेंड है ग्लाइड्स और डिफ्थोंग वावेल। इसमें सिंगल साउंड्स होती है, मोनो, मोनो का मतलब ये होता है सिंगल, तो सिंगल साउंड्स होती है। और ग्लाइड्स और डिफ्थोंग वावेल्स में होता है डबल साउंड। तो देखिए, सेकेंड ग्लाइड्स और डिफ्थोंग वावेल्स 8 होते हैं, संख्या में क्या होते हैं, दीज आर 8 इन नंबर, ये होते हैं। अब देखिए, देखते हैं वावेल साउंड। तो फ्रेंड देखिए, नंबर ऑफ प्योर वावेल्स आर मोनोफ्थोंग वावेल की संख्या क्या होती है, 12 होती है। फर्स्ट नंबर देखिए, आई, आई है इसका, इसमें क्या साउंड निकलेगी, कैपिटल यानी ई, ई की साउंड होगी, जैसे सी, यूनिक, फील, तो आर आई ई। इसी तरह देखिए, आई, आई का क्या होता है, इसमें ई होता है, जैसे विट, वी, वी, ई आ रहा है छोटी ई, उसी प्रकार विट, मिस्टिक, लिटिल, उसी प्रकार देखिए थर्ड नंबर ई, ई का क्या होता है, ए होता है, जैसे से, से, ए आ रहा है ना, तो सेट, बेट, बेड, ए आ रहा है। और वावेल देखिए ए, ई का जिसमें रहेगा उसे कहते हैं आए, जैसे इसमें साउंड कैसे आएगा, काए, काए, आए आ रहा है तो कैट, पए, पैट, बैट, इसमें आए आ रहा है, आ, देखिए ए, ए का क्या होता है, आ होता है, यानी बड़ा आ की साउंड आएगी इसमें, जैसे का, कार, आ रहा है कार, हाफ, हाफ, पार्ट। इसी तरह देखिए ये आ, एक ये अल्फा जैसे होता है, अल्फा, ये सिंबल होता है अल्फा, आ, इसमें जैसे हा, हार्ट, व्हाट, कॉस्ट। और ये देखिए सी होता है, जैसे सी है तो उल्टा सी होता है, तो इसमें देखिए सी का होता है आ, इसमें भी आ होता है, जैसे पॉट, कॉट, ला। यू का होता है यू, इसमें इसमें छोटा ऊ का साउंड आएगा, जैसे उड, बुक, कुड, पुट। और इसमें देखिए यू है, इसमें जिसमें डबल ऐसे लगे रहते हैं कॉलम, तो इसे बोलते हैं बड़ा ऊ हो जाते, जैसे इसमें था तो बड़ी ई हो गए, उसी तरह देखिए इसमें जैसे यू बड़ा ऊ का होगा, यू, फूड, रोड। और इसमें जो ये सिंबल दिया है तो इसका होता है आ, जैसे आप,
कम बट, और थ्री है और इसमें डॉट है तो इसे बोलते आ, जैसे ब्रेड ब्रेड, वर्ड अर्थ, और देखिए ये उल्टा ई है जैसे ये आ होता है इसका, जैसे अलॉन एगो बटर। तो दीज आर कॉल्ड प्योर वावेल्स बिकॉज दियर क्वालिटी रिमेन्स प्योर आर्टिकुलेटेड, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है वो एकदम प्योर यानी जुड़े हुए संयुक्त रूप से होती है। टर्म मोनोफथंग इसका मीन्स ही होता है, क्या होता है, द मोनोफथंग मीन्स डैट इट कैरीज सिंगल साउंड। तो ये सिंगल साउंड होता है, इसमें पूरे संयुक्त वर्ड में क्या होता है, सिंगल साउंड होता है। अब देखिए सेकेंड क्या होता है, ये तो 12 हो गई। अब जो सेकेंड दिया है डाइपथोंग और ग्लाइड्स वावेल्स, वो होते हैं नंबर 8 होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। देखिए ई आई इसका हिंदी में मीन्स होता है ए, ए आता है इसमें साउंड, ए एज इन डी ए आता है इसमें, लास्ट में जब हो जाए ए आता है डी, और ए आई है तो आई होगा, जैसे टाई टाई आई आर है ना टाइम, ए यू है तो ओ हो जाएगा। देखिए ये ए नहीं है, ये सिंबल है एक, जैसे उल्टा ई को उल्टा करते वो एक सिंबल है, तो ए यू तो इसको ओल्ड होता है, सी आई उल्टा सी है इसमें ये सिंबल, और ये तो इसका आई होता है, जैसे बॉय बॉय आई आर है ना साउंड, और ई ए है तो जैसे इसका ईया होगा, जैसे डिया रा डियर डिया डिया आ रहा है ना, तो ये साउंड होता है, और ई ई और ए तो इसका हो जाए ईया, जैसे ए आ के आर, तो इसमें के आर ए आ रहा है। इसी तरह यू ए है तो ऊ आ होता है इसमें, ऊ आ साउंड आ गया, जैसे पू आर पू आर पू आ आ पू आ, तो यू और ऊ और आ साउंड आ रहे हैं पुआ। इसी तरह देखिए ए यू है तो आऊ आऊ होगा, जैसे टाउन टाऊ टाऊ आऊ आ रहा टाउन, और साउंड टाउन साउंड डाउन, तो ये होते हैं 8 होते हैं। द वर्ड्स डिफ्थोंग्स सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ टू वावेल साउंड, तो जो ये डिफ्थोंग डाइफथोंग वर्ड है ये दो वावेल की प्रेजेंट को ही दर्शाता है, कि इसमें दो वावेल उपस्थित हैं और उपस्थित हैं। वावेल डिफ्थोंग कैरीज ऑफ टू वावेल साउंड इन विच फर्स्ट साउंड वावेल ग्लाइड्स टूवर्ड सेकेंड वावेल, डेट्स वाई इट्स कॉल्ड ग्लाइड्स वावेल। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें दो साउंड होते हैं, दो वावेल्स होते हैं, फर्स्ट जो वावेल होता है वो सेकेंड वावेल को की ओर इंडिकेट करता है कि अभी हम समाप्त नहीं हुए हैं, सेकेंड भी आने वाला है, ये होता है डिफ्थोंग वावेल। तो अब देख लेते हैं कॉन्सोनेंट्स साउंड कितने होते हैं, तो देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड इन इंग्लिश, दीज आर 24 इन नंबर्स। तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या इंग्लिश ग्रामर में कितनी होती है, कॉन्सोनेंट साउंड की 24 होती है। देखिए जैसे प है पी है, पी के पी का क्या होता है पा होता है एज इन पेन, बी है बी का बा होता है बॉल, टी है टी का ट होता है, जैसे टेन टा आता है इसमें वर्ड, डी व का साउंड क्या होता है डा होता है डे, और के का क्या होता है का होता है साउंड का, तो काइट है जैसे कैट है, और जी का होता है गा गन हो गया, टी एफ है तो इसका चा होता है जैसे चाइल्ड, और देखिए एफ है एफ का क्या होता है फाइन होता है, एफ होता है फा तो फाइन हो जाएगा, डी थ्री जैसे इस तरह दिया है ये सिंबल तो इसका ज होता है जैसे जज, और वी का वा होता है वैन, थीटा है था होता है थम्ब, जेड है तो इसका ज होता है एज इन जू, और 13 नंबर एस एस का सा होता है तो एज इन सन सन, सा में इसमें भी सा आता है ना साउंड, तो इसी तरह देखिए डेल्टा स्मॉल डेल्टा का क्या होता है द हो गया, जैसे सिंबल है स्मॉल डेल्टा तो ये द हो गया दे, ये हो गया इसका ये सिंबल है जैसे इसका सा होता है जैसे सू 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 मीन्स क्या होता है जूता, और थ्री दिया है इसका ज होता है जैसे प्लेजर, ये जर होता है यहाँ लास्ट ये एस यू आर दिया है प्लेजर तो जर साउंड ज आता है, एच है हा हेन हो जाएगा, एम का मा होता है मैन, एन है एन का ना साउंड आता है तो नॉट हो गया, एन ये है
ये इसका अंग होता है, जैसे रिंग रिंग, एल है, एल का ला होता है लेग, आर है ओ, आर का साउंड होता है रा, एज इन रूम। तो वाई है, वाई का क्या होता है, या होता है, जैसे एज इन यस। और डब्ल्यू का क्या होता है, वाफ साउंड आता है इसमें, वाह, जैसे वाइफ वाइफ। तो दिस टाइप से देयर आर टोटल 44 साउंड्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 24 साउंड्स होते हैं, यानी कि वावेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड टोटल को मिलाकर। तो दोस्तों इसी प्रकार आज हमारा ये क्लास साउंड्स की थी, वावेल एंड कंसोनेंट साउंड इन इंग्लिश ग्रामर, विच इज इम्पोर्टेंट इन व्यू स्पीकिंग एंड इंग्लिश ग्रामर बोथ, दोनों में, जो इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर दोनों में जरूरी। तो दोस्तों ये हुई यहाँ तक हमारी आज की इंग्लिश क्लास थी। दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज सेंड करना। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल से स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे इसी का यूज ऑफ आर्टिकल, क्योंकि इसके अगर इसका नॉलेज नहीं है तो आर्टिकल का यूज करने में हमें ए एन का यूज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों यदि अभी तक आप यूट्यूब चैनल में हमारा चैनल नहीं सर्च में आ रहा है तो आप सर्च कर लेना स्टडी वर्ल्ड, स्टडी वर्ल्ड, STUDY, स्टडी वर्ल्ड, WORLD, स्टडी वर्ल्ड बाई बाई सुनील कुमार, सुनील कुमार प्यूमा, P U कैपिटल P स्मॉल U M A प्यूमा, सुनील कुमार प्यूमा। तो दोस्तों अगर ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टडी वर्ल्ड बाई, स्टडी वर्ल्ड बाई सुनील कुमार, सॉरी यहाँ पे सुनील कुमार प्यूमा, तो आपको हमारी वीडियो, सारी वीडियो जो भी है ये यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।